आवत गगन समीरा, आज तप्त से रचित सरीरा। नमस्कार, मैं सोनिया आप सभी का महर्षि कृपा शक्ति में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बेहद जरूरी जानकारी साझा करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी यूरिक एसिड की समस्या आखिर क्यों होती है, इसे कैसे निजात पाया जा सकता है और बिना दवाई कैसे आयुर्वेदिक तरीके से यूरिक एसिड की समस्या को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि यूरिक एसिड आखिर क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में जब प्यूरिन नाम का पदार्थ टूट जाता है तो ये समस्या उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो आमतौर पर देखे जाते हैं उनमें से है आनुवंशिकता, यानी कि हमारे परिवार में किसी को पहले से ही यूरिक एसिड की समस्या होती है, जिससे ये आगे चलकर होने वाली पीढ़ी में भी हो जाती है। दूसरा कारण जो देखा जाता है वो है गलत डाइट या गलत खान पान, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ने की आशंका हो जाती है। तीसरा जो देखा जाता है वो है कुछ खाद्य पदार्थ जैसे सी फूड, दाल, राजमा, चावल, रेड मीट खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो इससे गठिया बाई की समस्या या पथरी की समस्या हो सकती है। इन दोनों ही समस्याओं में शरीर के प्रभावित अंग पर काफी तेज दर्द उठता है, जिससे मरीज को रोजाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमेशा से ही आयुर्वेदा को कारगर माना गया है, लेकिन ज्यादातर ये भी देखा गया है ये बीमारी दोबारा भी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ यदि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो कैसे इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा कम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमेशा से ही यूरिक एसिड के इलाज के लिए सबसे ज्यादा मान्यता आयुर्वेद को दी जाती है, क्योंकि यह यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर देता है और काफी कारगर साबित होता है। जो इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम आती हैं वो हैं स्नेह कर्म, उपनाह कर्म, विरेचन कर्म जैसी जड़ी बूटियां इसको जड़ से खत्म कर देती हैं। स्नेह कर्म, उपनाह कर्म, विरेचन कर्म यूरिक एसिड को कम करने के लिए काफी कारगर होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो आयुर्वेदिक दवा हमें यूरिक एसिड से छुटकारा दिला सकती हैं, वो है गोशुरा, भूमि आमल की, पाषाण भेद, पुनर्वा। जो औषधियाँ यूरिक एसिड में काम आती हैं वो है चंद्र प्रभावटी, गोशुरारादि गुगुल, सिन्हानाथ गुगुल और त्रिफला। यदि आपको अपने शरीर में यूरिक एसिड आयुर्वेदिक तरीके से और घरेलू उपायों से कम करना है तो आप ये तकनीक अपना सकते हैं। अच्छा खान पान खाएं, अपने भोजन में राजमा, मुरमुरे और मूंग दाल को शामिल करें। रोजाना फल और सब्जियां खाएं, सब्जियों में जैसे आलू, कद्दू, करेला, गाजर, मूली, केला, नींबू को रोज खाएं। दही, छाछ, अनानास जूस, नींबू का रस, नारियल पानी सबसे ज्यादा पिएं। यदि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भारी खाना ना खाएं, ठंडा खाना या ठंडी चीजें खाने पीने से बचें, वसा युक्त चीजें ना खाएं, प्राकृतिक इच्छाओं को ना रोकें, जैसे भूख, प्यास, मलत्याग और पेशाब आदि को नहीं रोकना चाहिए, ज्यादा वर्कआउट ना करें, शारीरिक कार्य करने से बचें, दिन में ना सोएं और धूप में ना घूमें। तो ये रही आज की यूरिक एसिड को कम करने की टिप्स और इलाज। यदि आप भी इन टिप्स को अपनाते हैं और इन औषधियों को सही समय से खाते हैं तो आप भी यूरिक एसिड की समस्या से निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। क्षितिज जल पावक गगन समीरा।